हेलो फ्रेंड्स, तो अब हर कोई जानना चाहता है कि उनका रेबल स्टार आने वाले दिनों में उन्हें किन मूवीज में देखने को मिलेगा और प्रभास की अपकमिंग कौन सी मूवीज हैं, किन मूवीज में हम उनको देखेंगे और क्या वो साहू मूवी से भी बड़े प्रोजेक्ट रहेंगे, क्योंकि बाहुबली 2 के बाद साहू जैसे बड़े प्रोजेक्ट में काम करना प्रभास के लिए एक वाइस डिसीजन रहा, तो अब वो कौन सी मूवी में काम करेंगे। तो चलिए इसी बात को लेकर खुलासा करेंगे और आपको उनकी अपकमिंग मूवीज के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी प्रभास के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वेल फ्रेंड, ये बात तो सभी जानते हैं कि प्रभास के कैरियर को 4 चांद लग गए जब उन्होंने बाहुबली मूवी को साइन किया था। बाहुबली एक ऐसी सीरीज रही उनके लिए जिसके फर्स्ट सीक्वल ने तो सिर्फ 650 करोड़ कमाए, लेकिन सेकंड सीक्वल 2 गुना से भी ऊपर चला गया। और अब एक ऐसा समय है कि पूरा विश्व भर प्रभास को बाहुबली के नाम से भी जानता है और उनकी इस मूवी की तारीफ भी करता है। एसएस राजा मौली सर के साथ मिलकर दी हुई मूवी बाहुबली, जिसने सिनेमाघरों पर राज किया और सभी को अपना दीवाना बनाया, और इस मूवी को चाइना में भी रिलीज किया गया, भारत में भी रिलीज किया गया। और 2.0 से पहले बाहुबली 2 ही वो मूवी थी जिसे 9000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था बहुत बड़े लेवल पर, और इस मूवी ने 100 दिनों तक सिनेमाघरों पर राज किया था। अब बात की जाए प्रभास की अपकमिंग मूवीज की, तो यहाँ पर आपको जानकारी देते चलें कि रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि प्रभास को आप अब आने वाले दिनों में उनकी मूवी बिल्ला के सेकंड सीक्वल में देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड, बिल्ला 2009 में आई एक एक्शन थ्रिलर से भरपूर मूवी है जिसमें डॉन का किरदार निभाया प्रभास ने और डायरेक्शन दी इस मूवी को मेहर रमेश ने, और इसी मूवी के सीक्वल को यही डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं। और इसके सेकंड सीक्वल में प्रभास के ऑपोजिट अनुष्का शेट्टी ही लीड रोल में हमें नजर आएंगी, और करीब 10 साल के बाद इस मूवी के सेकंड सीक्वल को बनाया जाएगा और फिर सिनेमाघरों पर उतारा जाएगा। बिल्ला मूवी बहुत ही फेमस रही, इस मूवी के हिंदी डबिंग वर्जन को भी YouTube पर मिलियन बार देखा गया और प्रभास के स्टाइल को, एक्शन सीन्स को कॉपी किया गया। बिल्ला मूवी जो के पहले से ही एक सुपर डुपर हिट है, तो उसका सेकंड सीक्वल ऑब्वियसली ब्लॉकबस्टर जाएगा, और फैंस प्रभास को बिल्ला 2 मूवी में देखने के लिए बेहद एक्साइटेड भी हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनकी अपकमिंग दूसरी मूवी की, जो के बाहुबली का थर्ड सीक्वल रहेगा, बाहुबली 3, जिसके बारे में अपडेट्स दी जा रही हैं कि प्रभास एक बार फिर से एसएस राजामौली और केवी विजेंद्रा प्रसाद के साथ मिल बैठेंगे और बड़ी मूवी लेकर आएंगे बाहुबली 3। रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि साहू मूवी जो कि अब सिनेमाघरों पर लॉन्च होने को है, और कुछ ही घंटों में आप इस बड़ी मूवी को सिनेमाघरों पर देख सकते हैं, जिसकी एडवांस बुकिंग ने सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक करके रख दिया है। तो प्रभास जो के 2015 से एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मूवी देते चले जा रहे हैं, जैसे 2015 में बाहुबली, 2017 में बाहुबली 2, और फिर 2019 में साहू मूवी, और अब इंतजार है फैंस को 2021 का, जहां पर वो लेकर आएंगे फैंस के लिए बाहुबली 3 जैसी बड़ी मूवी जिसका बजट साहू से भी ज्यादा होगा। और बाहुबली 2 के लगाए गए 1800 करोड़ के रिकॉर्ड को बाहुबली 3 तो कुछ ही दिनों में बीट कर देगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि बाहुबली के नाम पर पैसा कमाना कितना आसान रहेगा। और फिर अगर इस कम्बो को दोबारा से सिनेमाघरों पर देखा जाता है तो वो दिन ईद दिवाली के दिन से छोटा दिन नहीं होगा, क्योंकि सभी देखना चाहते हैं एसएस राजामौली को एक बार फिर से प्रभास के साथ। लेकिन अब देरी इस बात की है कि प्रभास कब अनाउंस करते हैं बिल्ला 2 और बाहुबली 3 में से अपना नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट। तो अब आप आने वाले दिनों में प्रभास को कौन से रोल में देखना चाहते हैं, बाहुबली के रोल में या के बिल्ला 2 मूवी में, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर वीडियो और जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वीडियो पहुंचती रहे आपके पास सबसे पहले। सो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन फॉर मोर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।